today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack. Oh my God. In a series of deliberate and deadly terrorist acts. Of the Pentagon. The Pentagon has been evacuated. Now, this is what it looked like moments ago. My God. ओसामा बिन लादेन दुनिया के इतिहास का सबसे खूंखार आतंकवादी। अगर आतंकवाद का नाम सोचो तो लादेन का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है। लेकिन आप यदि सोचते हैं कि ये शुरू से ही एक आतंकवादी था तो आपको लादेन के बारे में जानकारी ही नहीं। 9/11 जैसे भयंकर आतंकवादी हमले को अंजाम देने वाले ये कट्टरपंथी की क्या है पूरी कहानी, ये है इस दुनिया का जन्मा सबसे बड़ा शैतान ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन मोहम्मद बिन अबद बिन लादेन का जन्म सऊदी अरेबिया में 10 मार्च 1957 को हुआ था। इनके पिता का नाम था मोहम्मद बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन के पिता मोहम्मद बिन लादेन की 11 बीवियां और 52 बच्चे थे। ओसामा बिन लादेन अपने पिता के 10वीं वाइफ हमीदा से थे। मोहम्मद बिन लादेन बहुत बड़े बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर थे। उन्होंने अच्छे सोशल रिलेशनशिप और बॉन्ड्स बना के रखे थे सऊदी सोसाइटी में, और उनके अच्छे बॉन्ड्स हाउस ऑफ साउथ सऊदी अरेबिया की जो रूलिंग फैमिली है उनके साथ भी थे। उन्होंने अपनी खुद की मोहम्मद बिन लादेन कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन कंपनी भी बनाई, जो अरब वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी में काउंट होती थी। उन्होंने और भी ज्यादा बॉन्ड्स बनाए रॉयल फैमिली के साथ, और इन रिटर्न रॉयल फैमिली ने उनको जो सऊदी अरेबिया में जितने भी कंस्ट्रक्शंस होते थे उसका सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट मोहम्मद बिन लादेन को दिया। मोहम्मद बिन लादेन 1967 में प्लेन क्रैश में मारे गए। उनकी मौत के बाद वहां के किंग फैजल ने बोला था, टुडे आई हैव लॉस्ट माय राइट हैंड। मोहम्मद बिन लादेन के मौत के बाद उनके बच्चों में उनका सारा का सारा कारोबार बट गया था। मिड 1990s तक उनकी कंपनी की वैल्यूएशन $36 बिलियन थी। ओसामा बिन लादेन ने अपने पिता के ही बिजनेस को ज्वाइन किया। उन्होंने हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में डिग्री ली। यूं तो उनकी डिग्री के बारे में ज्यादा कुछ ओपन अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन ये बोला जाता है कि 1979 में उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और 1981 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी डिग्री ली। ओसामा बिन लादेन बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट माने जाते थे। ये बोला जाता था कि उनको पूरे के पूरे कुरान की आयात रटी हुई थी। साथ ही में वो अपने स्कूल के जितने भी टेक्स्ट बुक्स हुआ करते थे उनको एक ही बार पढ़ के याद कर लिया करते थे। वो अपने पूरे कॉलेज में हमेशा टॉप किया करते थे। ओसामा बिन लादेन के बाकी भाई वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में डिग्री लेने गए थे, और यहाँ पर भी अरब में ओसामा बिन लादेन अपने पैसों को बहुत एंजॉय करता था। घूमने फिरने जाता था और वुमेन के साथ घूमता था, और इसी तरीके से उनके भाई वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में भी बार क्लब्स और डिस्कोज में जाया करते थे। लेकिन 1975 में सब कुछ बदल गया ओसामा बिन लादेन के जीवन में। उनका एक स्पिरिचुअल रीबर्थ उस समय हुआ। ओसामा बिन लादेन ने अपने ही पैसों से 2 मस्जिद का निर्माण भी करवाया। ओसामा बिन लादेन धीरे धीरे इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट से भी मिलने लग गए, मौलवियों से भी मिलने लग गए, और इस्लाम के बारे में और भी ज्यादा नॉलेज लेना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे वो कट्टर मुसलमान बन गए। उन्होंने अपनी एक डिस्टेंट कजन जो सीरियन वुमेन थी उसके साथ शादी की, और वो दोनों मिलके इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के विचारधारा को प्रोपेगेट करने लग गए। ओसामा बिन लादेन वेस्ट को डिस्कार्ड करता था क्योंकि वेस्ट एक क्रिश्चियन कंट्री था, और क्रिश्चियन कंट्रीज में इस्लामिक्स की कोई भी ज्यादा इज्जत नहीं होती थी। वो एंटी USA भी था। बोला जाता है कि ओसामा बिन लादेन अपने पूरे शहर में कुरान के आयात को पढ़ाते हुए निकलता था। हर फ्राइडे को वो नमाज पढ़ने के बाद लोगों को इस्लामिक लेक्चर्स दिया करता था, और लोग उसके फैन होते चले गए थे। जैसे जैसे ओसामा बिन लादेन इस्लामिक नॉलेज लेता चला गया, वो पूरे सऊदी अरेबिया में उसको प्रोपेगेट करता चला गया। यूं तो सऊदी अरेबिया के लोग पहले से ही इस्लाम को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे, लेकिन कहा जाता है कि ओसामा बिन लादेन ने पूरी सऊदी अरेबिया के लोगों को इस्लाम का एक नया पर्सपेक्टिव समझाया था। फिर अचानक से एक घटना घटी जिसने ओसामा बिन लादेन के पूरे लाइफ के विजन को बदल के रख दिया। सऊदी अरेबिया के किंग फैजल को उनके अपने ही भतीजे ने मार दिया था। उनकी हत्या करने के बाद वो सऊदी अरेबिया का राजा बनने के लिए रेडी हो गया था।
उसने अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई जो है वो यूएसए से की थी और इसीलिए ओसामा बिन लादेन को यूएसए से और ज्यादा घृणा होने लग गई थी। ओसामा बिन लादेन वेस्टर्न कल्चर और मॉडर्निटी के एकदम खिलाफ था। उसको लगता था ये सभी के सभी एंटी इस्लामिक टीचिंग्स हैं और इस्लाम को फॉलो करने वाले ही ऐसे लोग हैं जो इस देश में और इस दुनिया में अमन और शांति का प्रचार कर सकते हैं। अब आते हैं 1979। ईरान में आयतोल्ला रूहुल्ला खोमेनी ने शाह ऑफ ईरान को ओवरथ्रो कर दिया है। शाह ऑफ ईरान जो है वो पपेट था यूएसए का और पहली बार यहाँ पर ऐसा हुआ है कि किसी इस्लामिक धर्मगुरु ने एक मुस्लिम कंट्री को पूरा सीज कर लिया है और वहाँ पे एक इस्लामिक स्टेट बना दिया है और इसी के साथ पूरे दुनिया में सोवियत यूनियन का दबदबा बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सोवियत यूनियन एक कम्युनिस्ट विचारधारा वाली पार्टी है जो पूरे के पूरे रशिया और उसके आसपास के 13 देशों को मिलाकर बनी हुई है और इधर ओसामा बिन लादेन को यह यकीन हो गया है कि कट्टर इस्लामिक फोर्सेस जो है वो पूरे के पूरे वेस्टर्न आइडियोलॉजी पे भारी पड़ सकती है और पूरे के पूरे गल्फ नेशन इस्लामिक स्टेट ओपनली डिक्लेयर किए जा सकते हैं। यहाँ पे सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड कर लिया है, ये बहुत ही ज्यादा रूथलेस है और यहाँ के प्रेसिडेंट को भी उन्होंने मार दिया है और पूरे के पूरे अफगानिस्तान को एक्वायर भी कर लिया है और अगला निशाना सोवियत यूनियन का अरब नेशन है। अरब नेशन बहुत ही ज्यादा परेशान है लेकिन उनको पता है कि उनके पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो सोवियत यूनियन को रोक सके, लेकिन अभी यहाँ पर उभरता हुआ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म ने एक डिटर्मिनेशन ले लिया है कि पूरे के पूरे सोवियत यूनियन को खत्म करके रहेंगे और उन्होंने एक अपना नया नारा दिया है, जिहाद। जिहाद एक होली वॉर है जो इस्लामिक लोग इस्लाम की स्थापना के लिए लड़ते हैं, इस्लाम को बचाने के लिए लड़ते हैं। अरबिक कंट्रीज में ओसामा बिन लादेन जिहाद के आइडियोलॉजी को आगे ले जाने वाला सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी था। उसके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत थी और उसके जो प्रीचिंग्स थे उसको सुनकर हजारों के हजारों मुस्लिम युवा जो थे वो अक्रॉस द बॉर्डर्स क्रॉस करके अलग अलग मुल्कों से ओसामा बिन लादेन का सपोर्ट करने के लिए सऊदी अरेबिया आ रहे थे। वो अपने आप को फ्रीडम फाइटर समझते थे और अपने आप को खुश नसीब मानते थे कि वो इन काम के लिए सेलेक्ट हुए हैं। हालांकि ये डायरेक्टली कभी भी किसी वॉर में अब तक शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन जिहाद का जो एक आइडियोलॉजी है ये बहुत ही सक्सेसफुली पूरे के पूरे अरब कंट्रीज में फैला रही है। इन जिहादियों का फर्स्ट स्टॉप है पाकिस्तान। पाकिस्तान में जाने के बाद ओसामा बिन लादेन यंग मुस्लिम्स को रिक्रूट करते थे अपने मनी पावर के साथ, क्योंकि ओसामा बिन लादेन पहले से ही बहुत अमीर खानदान को बिलोंग करता था तो उसके पास बहुत ज्यादा पैसे थे और इसी पैसे के बल पे वो अपनी पूरी की पूरी आइडियोलॉजी को अक्रॉस ऑल द मुस्लिम नेशंस ले जाता था और वहां पे वो रिक्रूटमेंट भी करता था और लोगों को जिहाद की आइडियोलॉजी बताता था और उसको कुरान के वर्सेस से जस्टिफाई भी किया करता था। पाकिस्तान में जाके ओसामा बिन लादेन डिफरेंट ट्रेनिंग कैंप्स को ऑर्गेनाइज करवाता था और वहां पे वो लोगों को वॉर करने के तरीके बताता था और साथ में उसने डॉक्टर्स, बॉम्ब एक्सपर्ट्स, मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट, इंजीनियर्स जैसे युवाओं को भी रिक्रूट किया था जो कि एक कंप्लीट सशक्त हो जिससे जिहाद की आइडियोलॉजी को प्रॉपरली पूरे के पूरे देश में फैलाया जा सके। ओसामा बिन लादेन ने इसके साथ ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बिल्ड किया जिससे वो सोवियत यूनियन को नीचा दिखाना चाहता था। ओसामा बिन लादेन ने रोड्स, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, डिपोर्ट्स ये सारा कुछ बनाया और वहाँ पे अनाज का भंडार भी रखता था और वहाँ पे गाड़ियाँ भी रखता था, जिसके कारण जिन लोगों ने ओसामा बिन लादेन को सपोर्ट किया था उनको किसी भी तरीके की डिफिकल्टी ना आए। उस समय ओसामा बिन लादेन ने की रोल प्ले किया अफगानिस्तान और पाकिस्तान को साथ लाने का। पूरे दुनिया के 35 इस्लामिक नेशन से 25,000 यूथ को उसने रिक्रूट किया जो उसके इस जिहाद के आइडियोलॉजी के हमेशा साथ खड़े रहते थे और पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो डिफरेंसेस थे उस समय उसको खत्म करते हुए ओसामा बिन लादेन आगे बढ़ने लगा। उस समय सोवियत यूनियन की लड़ाई यूएसए के साथ हुआ करती थी और इसीलिए यूएसए किसी भी हाल में सोवियत यूनियन को हराना चाहता था और इसीलिए यूएसए ने उस समय ओसामा बिन लादेन को सपोर्ट करने का सोचा।
और यही सपोर्ट यूएसए की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। ओसामा बिन लादेन ने मुजाहिदीन नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया और यूएसए के जो हेल्प आ रही थी उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। यूएसए जो है ओसामा बिन लादेन को पैसे देता था जिससे वो फूड और वेपन्स खरीद सके, लेकिन ओसामा बिन लादेन ने अपनी एक सख्त कंडीशन यूएसए के सामने रख दी थी कि यूएसए के जो लोग हैं वो वेपन ट्रेनिंग में मुजाहिदीन को बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि पूरे की पूरी ट्रेनिंग ओसामा बिन लादेन अपने हिसाब से अपने मुजाहिदीन के लोगों को देना चाहता था। बिन लादेन को अमेरिका ने स्ट्रिंगर्स दिया। स्ट्रिंगर्स ग्राउंड टू एयर मिसाइल होती थी जिसके पास इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो सोवियत के फाइटर प्लेन्स को नीचे गिरा सके, और इसके हेल्प से ओसामा बिन लादेन ने सोवियत यूनियन के 270 एयरक्राफ्ट्स को गिरा दिया था। यूएसए को पता नहीं था कि वो एक मॉन्स्टर को जन्म दे रही। मुजाहिदीन के एक मेंबर ने एक बार बोला था, ही वॉज हीरो, ही गेव हिमसेल्फ एंड मनी, ही ऑलवेज मूव्ड अहेड विद अस। ओसामा बिन लादेन यूज टू डग द ट्रेंचेस विद देम। उनके साथ वो बैठता था, उनके साथ वो खाना खाता था, और उसको मौत का बिल्कुल भी डर नहीं था क्योंकि ओसामा बिन लादेन जानता था कि यहाँ से जिहाद करने के बाद वो किसी बेहतर दुनिया में जाएंगे, जन्नत में जाने वाले। ओसामा बिन लादेन अपने मुजाहिदीन के लोगों को कहता था कि एक दिन यदि तुम काफिर के साथ युद्ध करोगे तो 1000 दिन के प्रेयर के बराबर होगा, और इसीलिए मुजाहिदीन के सभी लोग शहीद होने के लिए भी रेडी थे। ओसामा बिन लादेन की यह हिम्मत काम आई। 1989 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से बैकआउट कर जाता है और उसके बाद ओसामा बिन लादेन सऊदी अरेबिया वापस चला जाता है, जहां पे लोग उसको हीरो मानते हैं, उसको खुदा के जैसा पूजने लगते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ओसामा बिन लादेन नबी का ही एक रूप है जो हमारे धरती पर आया है और इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में फिर से फैलाने जा रहा है। सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली भी ओसामा बिन लादेन का साथ देने लग गए थे क्योंकि वो भी ये मान रहे थे कि इस्लामिक कंट्रीज में वेस्टर्न कंट्रीज का इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ओसामा बिन लादेन यूज्ड टू स्पीक एट मॉस्क्स और उनके जो गैदरिंग होती थी उसमें ह्यूज क्राउड हुआ करता था। बहुत सारे जवान लोग उनकी इस गैदरिंग में आते थे और वो वहां से अपने भाषणों के द्वारा एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट पूरे दुनिया में जन्म दे रहा था। ओसामा बिन लादेन के स्पीचेस से अमेरिका के खिलाफ खुलेआम जहर उगलते थे। उनके जो विचार थे लोग उसको कॉपी में लिखते थे और उसकी मिलियंस ऑफ कॉपी जो है पूरी दुनिया में फैलाई जाती थी। ओसामा बिन लादेन अब बिना लग्जरी के रहने लग गया था। वो सऊदी अरेबिया में एक छोटे से अपार्टमेंट में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहने लग गया था, जहाँ पे वो स्ट्रिक्ट इस्लामिक टीचिंग्स के अकॉर्डिंग अपना पूरा का पूरा दिनचर्या बिता रहा था। 1990 में इराक के लीडर सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया और उसको इन्वेड कर दिया था, और उसकी अगली नजर सऊदी अरेबिया पर ही थी। उसी समय ओसामा बिन लादेन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए आगे आया। उसके पास अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने का एक एक्सपीरियंस तो था ही, इसलिए वो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी को मैप करने लग गया। इस समय उसको वेस्ट से किसी भी प्रकार के हेल्प की कोई जरूरत नहीं थी। उसने सऊदी गवर्नमेंट को वॉर्न किया कि अगर वो वेस्ट की हेल्प मांगते हैं तो वो इस्लाम की टीचिंग्स के खिलाफ होगी, लेकिन उस समय मिनिस्टर ऑफ डिफेंस प्रिंस सुल्तान बिन लादेन को इतना सीरियस नहीं लेते थे। वो जानते थे कि एयर, नेवल, केमिकल, बायोलॉजिकल वेपन्स के लिए उनको यूएसए से हेल्प लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो किसी भी हालत में युद्ध नहीं जीत पाएंगे। ओसामा बिन लादेन अपने मांग पर अड़ा रहा और ये भी बोला जाता है कि उसने एक बार प्रिंस पे चिल्ला दिया था ये बोलते हुए कि उनको अमेरिकन ट्रूप्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यदि अमेरिकन ट्रूप्स उनकी हेल्प करते हैं तो हमारे इस्लाम की, हमारे फेथ की हार होगी। लेकिन फिर भी सऊदी अरेबिया यूएसए के पास गया और इसके कारण एक गल्फ वॉर होना शुरू हुआ। ये गल्फ वॉर यूएस लेड वेस्टर्न एजोल्स और इराक के बीच में हुआ था। हाउस ऑफ सऊदी, जो कि सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली थी, वो लादेन को अभी भी सीरियस नहीं ले रहे थे। वो उसकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी से बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे। उन्होंने लादेन को वॉर्न भी कर दिया था कि यदि वो वेस्ट के अगेंस्ट में बोलता है तो जो भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट उसके कंपनी को दिए गए हैं वो सारे वापस छीन लिए जाएंगे। सऊदी रॉयल फैमिली और ओसामा बिन लादेन के रिश्ते और भी ज़्यादा कड़वाहट से भरने लग गए और इसीलिए ओसामा बिन लादेन को सऊदी अरेबिया छोड़ के जाना पड़ा। 1991 में वो सऊदी अरेबिया से सूडान भाग गया। सूडान में वो अपने 3 वाइफ्स और 15 बच्चों के साथ एक इस्लामिक तरीके का रिलीजियस लाइफ जीने लग गया था।
सुदान जो है वो ओसामा बिन लादेन को पूरा सपोर्ट करता था उसके आइडियोलॉजी के लिए, और सुदान भी वेस्टर्न कोलैबोरेशन के सख्त खिलाफ था। ओसामा बिन लादेन ने सुदान गवर्नमेंट के साथ एक रूल सेट किया कि सुदान में जितने भी अमेरिकन रिजाइम हैं उसको निकाल दिया जाए और पूरे के पूरे सुदान को एक फंडामेंटल इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए। धीरे धीरे ओसामा बिन लादेन के फॉलोअर्स वर्ल्ड में जहां पर भी यूएसए के मिलिट्री बेसिस थे वहां पे स्ट्राइक करने लग गए थे, और इसके कारण वो यूएसए को फोर्स कर रहे थे कि मिडिल ईस्ट से उनके जो ट्रूप्स हैं उसको हटा ले। पूरे दुनिया के मुस्लिम यूथ जो थे वो ओसामा बिन लादेन को सपोर्ट करने लग गए, और इस पूरे ग्रुप का नाम बन गया अलकायदा। अलकायदा के लोग सुदान के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने लग गए, और वो सारे के सारे मुस्लिम पॉपुलेशन थे। इन पूरे अलकायदा का एक ही मिशन था, इंसाइट इस्लामिक रेवोल्यूशन एंड कैरी आउट एक्ट्स ऑफ टेररिज्म। सुदान में एक मौलाना था हसन अब्दुल्ला अल तुराबी, ओसामा बिन लादेन उसका डिसाइपल बन गया, और अब ओसामा बिन लादेन उसी से इस्लाम के टीचिंग्स को समझता था, और साथ में वो एक ग्रुप डेवलप करने लगा। उसने तुराब के नाम से ही तुराब जिहादिस्ट ग्रुप बनाया जिसका नाम था पॉपुलर इंटरनेशनल ग्रुप, और PIO। ओसामा बिन लादेन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ कनेक्शन बनाने लग गया इन ऑर्डर टू गेट मनी। ओसामा बिन लादेन रिच फंडामेंटलिस्ट बिजनेसमैन जो थे वहां पे यूथ को एम्प्लॉयमेंट पहुंचाने लग गया, और उसके बाद इनको टेररिस्ट बना के यूएसए सप्लाई करने लग गया। इट वॉज अ काइंड ऑफ स्मगलिंग टू यूएसए ऑफ टेररिस्ट। सुदान में ओसामा बिन लादेन ने अपनी एक बिल्डिंग कंपनी बनाई जिसका नाम था अल हीरा फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट लिमिटेड। इसके थ्रू वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने लग गया व्हीकल्स के लिए, वेपनरीज के लिए, जो कि युद्ध के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। पूरे विश्व में ओसामा बिन लादेन की एक वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन होने लग गई कि वो एक रेवोल्यूशनरिस्ट है, और थाउजेंड्स ऑफ यंग जिहादिस्ट जो थे वो ओसामा बिन लादेन को ज्वाइन करने लग गए, और इसके बाद ओसामा बिन लादेन ने पहला आतंकवादी हमले को इल्जाम लिया। 29 दिसंबर 1992 में ओसामा बिन लादेन ने एडेन यमन में दो होटल्स में बॉम्ब ब्लास्ट करवाए जो कि यूएसए का एक मिलिट्री बेस था। इसमें 3 अमेरिकन्स मारे गए। अमेरिकन्स यमन से निकल गए थे और वहां पे इस्लाम पूरी तरीके से एस्टैब्लिश हो चुका था, और साथ ही में सोमालिया में एक फियर्स फाइट उन्होंने किया यूएस फोर्स के अगेंस्ट, और जितने भी यूएस फोर्स के जो ट्रूप्स थे वो मोगादिशु छोड़ के चले गए थे। इसको ओसामा बिन लादेन अपनी बहुत बड़ी विक्ट्री कंसिडर करता था। इसके बाद ओसामा बिन लादेन यूरोप की तरफ गया। ओसामा बिन लादेन ने बैकेंस कंट्री में बोल्सर इस्लामिक मूवमेंट शुरू किया, और वहां पे जितने भी मुस्लिम थे जो कि एंटी वेस्ट थे और प्रो इस्लामिस्ट थे वो ओसामा बिन लादेन को ज्वाइन करने लग गए। 1995 में ओसामा बिन लादेन मिडिल ईस्ट वापिस आया। उसके इस्लामिक वर्ल्ड की स्थापना के लिए जो दो सबसे बड़े ब्लॉकेजेस थे वो थे सऊदी अरेबिया और इजिप्ट। इसीलिए ओसामा बिन लादेन हाउस ऑफ साउथ को ओवरथ्रो करना चाहता था। नवंबर 1995 में यूएसए के मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर रियाद में ओसामा बिन लादेन ने बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया। इसमें 7 लोगों की मौत हुई। हाउस ऑफ साउथ इसीलिए ओसामा बिन लादेन से बहुत गुस्सा थे। उसके सुदान के घर में 4 मर्सिनरीज फ्रॉम यमन ने ओपन फायर किया AK-47 के साथ, लेकिन उसके जो बॉडीगार्ड्स थे वो लड़ने के लिए तैयार थे, और इस गोलाबारी में 3 लोगों की मौत हो गई। और इसीलिए उसके बाद सुदान में जो ओसामा बिन लादेन का घर था वो एक आर्म्ड कैंप में ट्रांसफॉर्म हो गया था, और उसकी सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट कर दी गई थी। 1996 में यूएसए ने स्पेशल फोर्स ऑपरेशन को लॉन्च किया विद द हेल्प ऑफ अमेरिकन फ्रेंडली इस्लामिक नेशंस टू कैप्चर ओसामा बिन लादेन। यूएसए और सऊदी अरेबिया ने सुदान को धमकी दी फॉर इम्पोजिशन ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शन, और इसीलिए ओसामा बिन लादेन को सुदान छोड़ के अफगानिस्तान भागना पड़ा इन मई 1996। और अफगानिस्तान जाने के बाद ओसामा बिन लादेन इंटरनेशनल लीडर ऑफ इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट बन गया। वहाँ पे उसके बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी थे। अफगानिस्तान में वो 3 रूम का एक ऑपरेशन बेस को एस्टैब्लिश किया एक माउंटेन के केव के अंदर, जहाँ पे बेसिक फर्निशिंग ही थी। उसके पास बाहरी दुनिया से कनेक्ट होने के लिए सिर्फ सैटेलाइट फोन और 2 लैपटॉप्स थे। 1998 में ओसामा बिन लादेन अफ्रीका वापस गया, और वहां पे उसने प्लान किया यूएसए के 2 डिफरेंट एम्बेसीज को उड़ाने का। ऑन अगस्त 7 ओसामा बिन लादेन ने केनिया और तंजानिया में अटैक किया जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल मरे। ओसामा
ओसामा बिन लादेन ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन पूरी की पूरी दुनिया ये बात जानती थी कि ये हमले किसने करवाए। इसलिए यूएसए ने एक एयर स्ट्राइक का डिसीजन लिया 20th अक्टूबर को, और वहां पे जाके वो ओसामा बिन लादेन को पकड़ना चाहते थे, और उन्होंने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच शुरू कर दिया। 3 कैंप्स अफगानिस्तान के माउंटेन्स में डिस्ट्रॉय कर दिए गए, लेकिन ओसामा बिन लादेन वहां से भाग चुका था। उसके बाद ओसामा बिन लादेन ने यूएस नेवी डिस्ट्रॉयर यूएसएस कोल पे अटैक किया। यूएसएस कोल रिफ्यूलिंग के लिए एडन येमेन में रुकी थी जब उसके अंदर ब्लास्ट हुआ और 17 सेलर्स मारे गए। और उसके बाद 2 महीनों के अंदर ही ओसामा बिन लादेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला कराया, एक ऐसा आतंकवादी हमला जिसने पूरे के पूरे दुनिया को झकझोर के रख दिया, जिसमें 3,000 से ज्यादा लोगों की जान भी गई थी। Osama bin Laden is just one person. I want him hell. I want justice, dead or alive. فهذه أمريكا مقاتلها فدمر أعظم مبانيها. States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al Qaeda. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका के बिजनेस और अचीवमेंट का एक सिंबल हुआ करता था, और इस अटैक के बाद एक फाइनल ब्लो मिला था यूएसए को। और 45 मिनट के अंदर ही एक दूसरा टेरर अटैक हुआ पेंटागन के अंदर, एक हाईजैक प्लेन वहां पे जाके क्रैश हुआ। पेंटागन जो है वो नेशन के मिलिट्री हेडक्वार्टर है। उसके बाद यूएसए ने $25 मिलियन का रिवॉर्ड रख दिया ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए। एक एंटी टेरर टास्क फोर्स को सेट किया गया, लेकिन ओसामा बिन लादेन अगले एक दशक तक कंटिन्यूस अटैक करता रहा। वो पाकिस्तान के माउंटेनियस एरिया में जाके छुप गया, और वहां की लोकल ट्राइब जो थी वो ओसामा बिन लादेन का साथ दे रही थी। ओसामा बिन लादेन अपने 5 बीवी और 13 बच्चों के साथ एबटाबाद शिफ्ट हो गया, जहां पे उसने 3 मंजिला इमारत बनवाई और वहां पे एक पूरे इस्लामिक रिचुअल्स के साथ रह रहा था। और यहां पे यूएसए की आर्मी ओसामा बिन लादेन को सालों से ढूंढ रही थी। यूएसए के इंटेलिजेंस फोर्स ने ओसामा बिन लादेन का पता लगा लिया था, और वहां पे एक साइलेंट ऑपरेशन करना था ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए। लेकिन ओसामा बिन लादेन को अच्छे से पहचान करने के लिए वहां के लोकल लोगों की हेल्प चाहिए थी, इसलिए अगले 3 महीने तक अमेरिकन आर्मी मेंबर्स जो थे एक लोकल वेशभूषा में आसपास रहने लग गए, और उसके एबटाबाद के जो 3 मंजिला इमारत थी उस पे नजर रखने लग गए। ओसामा बिन लादेन बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव था, उसके पिक्चर कभी भी कोई कैप्चर नहीं कर पा रहा था। लेकिन बहुत सारे छानबीन के बाद इंटेलिजेंस को ये रिपोर्ट मिल गई कि ओसामा बिन लादेन उसी बिल्डिंग के अंदर छुपा है। ये जो ऑपरेशन था वो बहुत ही ज्यादा ट्रिकी था। यदि ऑपरेशन फेल हो जाता तो इतने सारे अमेरिकन सोल्जर जो पाकिस्तान जा चुके थे वो पकड़े जाते, और बहुत सारे जान माल का नुकसान भी हो सकता था। और इसके साथ ही पकड़े जाने के कारण यूएसए के जो सीक्रेट आर्मी के जो रूल्स थे और जो नियम थे वो पूरे दुनिया में लीक हो सकते। लेकिन फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा ने इस ऑपरेशन को ओके दे दिया। ऑपरेशन में फर्स्ट प्लान ये बनाया गया कि पाकिस्तान आर्मी को इन्वॉल्व किया जाए, लेकिन वो ये श्योर नहीं थे कि पाकिस्तान आर्मी उनका सपोर्ट करेगी। यदि पाकिस्तान आर्मी ओसामा बिन लादेन का सपोर्ट करती तो उनका पूरा का पूरा ऑपरेशन फेल हो जाता। इसलिए उनका सेकेंड प्लान था कि बिल्डिंग को बॉम्ब से गुड़ा देना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी, अमेरिका ने पहले भी ये किया था लेकिन ओसामा बिन लादेन हमेशा बच के बाहर निकल जाता था। इसलिए यदि इस बार इसको किया जाएगा तो ये नहीं पता था कि ओसामा बिन लादेन सच में मरेगा या नहीं। इसलिए थर्ड प्लान को इल्जाम दिया गया। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स स्लोली चुपके से रडार में घुस गए अननोटिस्ड। पाकिस्तान की आर्मी ने उनको नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर्स कुछ इस तरीके से बनाए गए थे कि वो रडार को चकमा देके किसी भी कंपाउंड में बहुत ही आराम से और चुपके से घुस सकते थे। कि 2 दर्जन सील्स जो है वो कंपाउंड को तोड़ेंगे, 79 कमांडोज आएंगे और 1 डॉग भी रहेगा। उनका जो कोर टीम था उसके पास बैकअप था, डॉग हैंडलर, इंटरप्रेटर्स, पायलट्स, इंटेलिजेंस एजेंट्स एंड टेक एक्सपर्ट्स का।
सुबह 3:30 पे दो हेलीकॉप्टर जो है एबटाबाद कंपाउंड पे पहुंच गए। पहली हेलीकॉप्टर से रोप के सहारे जो कमांडोज हैं वो एबटाबाद के फ्लैट के छत के ऊपर उतरे और जो दूसरा हेलीकॉप्टर था वो फार नॉर्थ ईस्ट पे जाके खड़ा हो गया टू ड्रॉप ऑफ इंटरप्रेटर डॉग हैंडलर एंड 4 SEALs। 3:33 AM पर कमांडोज ने छत के डोर्स को ब्लॉक कर दिया और उसको ब्लास्ट करके घर के अंदर एंट्री कर दिया और 3:48 AM पे एक सील ने ये पूरा का पूरा ऑपरेशन अमेरिका के व्हाइट हाउस में ओबामा अपनी टीम के साथ लाइव देख रहे थे ड्रोन्स की हेल्प से। उनके पास पिक्चर्स जो आ रही थी वो नाइट विजन ड्रोन के कैमरे की वजह से आ रही थी। 3:48 AM पे एक सील ने एक संदेश भेजा फॉर गॉड एंड कंट्री जेरोनिमो जेरोनिमो जेरोनिमो, मतलब ओसामा बिन लादेन मारा जा चुका है। उसी रात ओबामा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने अमेरिका के लोगों को बताया, टुनाइट आई कैन रिपोर्ट टू अमेरिकन पीपल एंड टू वर्ल्ड दैट यूनाइटेड स्टेट्स हैज कंडक्टेड एन ऑपरेशन दैट किल्ड ओसामा द लीडर ऑफ अलकायदा एंड हु वाज रिस्पांसिबल फॉर मर्डर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन। टुनाइट आई कैन रिपोर्ट टू द अमेरिकन पीपल एंड टू द वर्ल्ड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स हैज कंडक्टेड एन ऑपरेशन दैट किल्ड ओसामा बिन लादेन the leader of al-Qaeda and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women and children. ओसामा बिन लादेन के बॉडी को कोई भी कंट्री लेना नहीं चाह रहा था। सभी कंट्रीज को लग रहा था जहां पे भी उसकी बॉडी को दफनाया जाएगा वहां पे जिहादिस्ट आते रहेंगे और एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन सकता है। क्योंकि ओसामा बिन लादेन सऊदी अरेबिया का था, अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को उसके लाश सौंपने के लिए बोला लेकिन सऊदी अरेबिया ने इससे भी साफ इनकार कर दिया। इसके बाद ओसामा बिन लादेन की बॉडी को एयरक्राफ्ट कैरियर में कैरी करके एक सी में डिस्पोज कर दिया गया। दुनिया में जो ओसामा बिन लादेन के फॉलोअर्स थे वो ओसामा बिन लादेन को हीरो समझ रहे थे और उन्होंने ओसामा बिन लादेन को हीरो डिपिक करते हुए काफी सारे बुक्स भी लिखे। लेकिन उसके बाद हॉलीवुड ने जीरो डार्क 30 नाम की एक मूवी बनाई जिसमें ये पूरे के पूरे सीक्रेट ऑपरेशन को दर्शाया गया और पूरे दुनिया के सामने ये संदेश दिया जा चुका था कि ओसामा बिन लादेन जो है कोई हीरो नहीं था, वो एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी था जिसका मरना बहुत ही ज्यादा जरूरी था और किस तरीके से यूएस ने सीक्रेटली इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को इल्जाम दिया और ओसामा बिन लादेन को मार डाला। तो ये थी कहानी इस दुनिया के एक बहुत बड़े शैतान की। धर्म जो है हमें वो साथ रहना सिखाता है। कोई भी धर्म जो इस दुनिया में आया है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियंस हो, सिख हो, जैन हो, बुद्धिज्म हो, उन सभी के जो फाउंडर्स थे उन्होंने दुनिया में पीस का संदेश दिया है। लेकिन उनके इसी टीचिंग्स को गलत रूप में समझकर ओसामा बिन लादेन जैसे लोग जो है पूरी दुनिया में जिहाद करते हैं और इनोसेंट लोगों को मारते हैं। उनसे वही हम लोग बोलना चाहते हैं कि कोई भी धर्म आपस में वैर करना नहीं सिखाता है। आपको उन धर्म की अच्छी बातों को अच्छे से समझनी होगी और आगे चलना होगा। So that's it for today guys. If you like this video, please give it a big thumbs up and do share with your friends और subscribe करें मेरे channel को और वो जो bell icon है उसको जरूर दबा दे कि next time कोई भी video मैं लेकर आऊँ तो आपको उसका notification मिले। तब तक के लिए जय हिंद।